तो मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। अदा शर्मा आज यानी 11 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस अपने मजाकिया अंदाज के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सभी क्रिएटिव और मजेदार पोस्ट के लिए फैंस का दिल भी जीता है। हालांकि एक बार उनके शेयर किए गए पोस्ट पर नेटिजन्स के रिएक्शन के बाद उन्हें बेरहमी से ट्रोल किया गया था। उनकी ट्रोलिंग का कारण दिवंगत बप्पी लहरी के साथ उनकी एक फोटो थी। अदा शर्मा ने जो फोटो पोस्ट की थी उसमें बहुत सारे गहने पहन रखे थे और उन्होंने अपनी और बप्पी लहरी की फोटो को पोस्ट करते हुए पूछा था कि किसने ज्यादा अच्छे से कैरी किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि इसे किसने बेहतर पहना। यह पोस्ट मीडिया यूजर्स के लिए सही नहीं थी और उन्होंने इसे असम्मानजनक बताया, जिनका अब निधन हो गया है। जैसे ही ये पोस्ट उनके फेसबुक पेज पर पहुंची, एक यूजर ने लिखा, पहले अपनी ऊंचाई को समझने की कोशिश करो और फिर किसी से तुलना करो। उनको कामों को देख आप पा सकते हैं कि नहीं। बंगाल का हर इंसान उनके कम से कम एक गाने को अच्छी तरह से जानता है और फिर उनसे अपने बारे में पूछे कि वे शायद ही बता सके कि आप कौन है। मैं आपको कम करके नहीं आंक रहा हूँ बल्कि सच बता रहा हूँ। वही अदा की पोस्ट पर किसी ने लिखा, मजे के लिए तुलना करना अलग बात है, लेकिन किसी के निधन के बाद क्षमा करें, लेकिन मुझे लगा कि केवल आपकी फिल्म की ही कचरा है। ऐसा लगता है कि आपकी परवरिश और भी घटिया है। हालांकि अदा ने बाद में इस विवाद पर चुप्पी तोड़ी और इसके लिए खराब टाइमिंग को जिम्मेदार ठहराया। इस बारे में उन्होंने कहा कि पोस्ट मेरे इंस्टाग्राम पर 2 साल पहले 28 मार्च 2020 को पोस्ट किया गया था, मेरे फेसबुक पेज पर कल अपलोड की गई। दुर्भाग्य से हमने पिछले हफ्ते बप्पी दा को खो दिया जिससे पोस्ट खराब हो गया। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।